असलम भाई लोग कैसे हो सब ठीक ठाक उम्मीद करते हैं कि होंगे और उसके साथ साथ इस वक्त रमज़ान का महीना जो कि शुक्र है सब के लिए अच्छा जा रहा है और उम्मीद करते हैं आपके लिए भी अच्छा जा जा रहा होगा तो आज चलते हैं बीरपुर खास की इस बाज़ार में और आपको विज़िट कराएँगे बीरपुर खास की आज अच्छी अच्छी बाज़ार और देखेंगे आपको रात के अंदर बाज़ार का माहौल कैसा है और कैसे बाज़ार के अंदर लोग रहते हैं घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं तो चलो हम भी आपके लिए मीरपुर खास की इस बाज़ार का कुछ वीडियोस लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पेज को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और उसके साथ साथ लाइक करोगे और कमेंट में ये भी बताओगे कि आपको कैसा लगा मीरपुर खास का ये बाज़ार और क्या आपने ये बाज़ार घूमा है कि नहीं जिस जिसने घूमा है वो बता दे कि ये कौन सी जगह है कहाँ से हम गुज़र रहे हैं तो उम्मीद है वो हमें कमेंट में बताएंगे ज़रूर और मज़ा आया कि नहीं आया मीरपुर खास का और जिसने नहीं देखी मिरपुर खास की बाज़ार तो आपको आज हम मीरपुर खास की मुकम्मल बाज़ार विजिट करवाएँगे इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए तो चलो जी ये मीरपुर खास का बाज़ार अब शुरू होता है और शुरू हो चुका है बल्कि नाइट टाइम है तो अब सबसे पहले चाहते हैं यार आज शॉपिंग करनी थी तो सबसे पहले जा रहे हैं एक दर्जी के पास जो कपड़े वगैरह सीपते हैं सिलाई करते हैं तो उनके पास जा रहे हम और उनसे हम कुछ कपड़े वगैरह दिए हुए हैं उनकी मालूम लेंगे उसके बाद आगे चलेंगे बड़ी बाज़ार में तो चलो जी बिलाखिर ये दर्जी आ गया और यहाँ पर हमने कपड़े वगैरह दिए थे उनके बारे में पूछगाछ करेंगे क्या वो कपड़े तैयार हो गए कि नहीं कुछ सूट लिए थे वो भी दिए हैं और ये उनका तमाम मशीन वगैरह सिस्टम है और यहाँ पर ये बंदा मेरे साथ आया है तो ये भी कपड़े अपने दे रहे हैं तो मैंने भी दिए थे तो अब हम चलते हैं अगली बाज़ार की तरफ और आपको विज़िट करवाते हैं मीरपुर ख़ास की इस वक्त खूबसूरत बाजार और रात का टाइम तो चलिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को पूरी वीडियो देखते रहिए ताकि आप बाज़ार का अच्छी तरह मायन भी कर लें और उसके साथ साथ बने रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आप इंजॉय भी करते रहें और देखते रहें कि मीरपुर खास के अंदर रात का माहौल बाज़ार के अंदर कैसा होता है तो चलो जी देख लो आप भी फ्रूट बाजार मीरपुर खास की यहाँ पर सिंधी में कहते हैं हिंदा और उर्दू में छाँव भी बोलते हैं शायद उसके बाद अब सीधा पहुंच गए हैं मीरपुर खास की इस मोबाइल मार्केट के अंदर ये है भाई मोबाइल मार्केट थोड़ी दूर है बस ये मोबाइल मार्केट ही कहलाती है और अब यहाँ पर थोड़ा से कपड़े के दुकान है। हैं शॉप वगैरह हैं उसके बाद मीरपुर खास की जिसको बल्दिया के नाम से बोला जाता है तो हम बल्दिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं तो ये मशहूर बल्दिया मीपुर खास की बड़ी बाज़ार और ये तमाम मोबाइल शॉप बस आने ही वाले हैं और आज आपको ये मीपो खास की बल्दिया विज़िट करवाएंगे इस वीडियो के साथ और ज जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें यार ये बंद पड़ी है यार बस कुछ ही दुकान खुले हुए हैं बकाया बंद पड़ी है तो आगे ये यहाँ पर जो है मीपो खास की बल्दिया मोबाइल वगैरह और ये जूते वगैरह जिनके शॉप तो ख़त्म होती है अब दूसरी बाजार रोड के दूसरे तरफ चले गए हैं तो यहाँ पर तो बहुत ही मज़ा ही मज़ा होता है भाई लोग और आगे आपको बहुत ही यहाँ पर रश देखने को मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि आप इस बाज़ार को अच्छी तरीके से विजिट कर रहे हैं जैसा कि ऐसा आपको महसूस होगा कि आप खुद यहाँ पर घूम रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा होगा तो कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो देखते हैं फिलहाल यार ये रमज़ान का टाइम शाम का रात का टाइम तकरीबन जो है बंद हो चुकी है मार्केट लेकिन अंदर हम जाएंगे ज़रूर आपको दिखाएंगे कुछ मार्केट का माहौल जहाँ पर खुली हुई है और कुछ लोग अंदर मौजूद है रश भी है आपको दिखाएंगे इस वक्त जा रहे हैं सीधे मार्केट की बिल्कुल अंदर जहाँ पर मार्केट के बहुत बड़े बड़े दुकान हैं और शॉप हैं तो ये लो जी आ गए हैं अब मार्केट के एक ख़ूबसूरत मंज़र जो कि आपके सामने है और आप देख सकते हैं इस वक्त तो उम्मीद करते हैं आप बहुत इंजॉय करते रहेंगे और इस वीडियो के साथ तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें सब्सक्राइब में ना ही आपका कोई खर्चा आता है और ना ही हमें कुछ देना पड़ता है बस ये हमारी मेहनत है और आप उम्मीद है इस मेहनत को हमें रिव्यू में सब्सक्राइब देंगे लाइक करेंगे और हमें कमेंट भी करते रहेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी तो देख तो वैसे भी रहे तो ये है मीरपुर खास की एक बाज़ार लेकिन आज शाम के टाइम रात के टाइम हम निकले हैं तो थोड़ा सा यार यहाँ पर सन्नाटा ज़रूर है लेकिन आगे चलेंगे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है तो जा रहे हैं यार बहुत भीड़ है लोगों की अभी आगे तो बिलाखिर आ गए हैं यार दुकान पर शॉपिंग करने के लिए बहुत ही मार्केट में घूमा लेकिन बंद पड़ी थी तो ये बंदा जिसकी दुकान पे हम पहुँचे हैं और ये हमने जो है यार कपड़े पसंद किए हैं तो ये काट रहे हैं हमारे लिए एक सूट और एक और भी सूट लेना है तो भाई लोग कमेंट में बताएं कि ये सूट कितने का मुझे पड़ा होगा और इनका क्या रेट वग़ैरह और सूट कैसा है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तो ये बंदा बिल आखिर हमारा सूट इस वक्त काट रहा है तो ये मुकम्मल जी ये लीजिए एक सूट हो गया हमारा तो हमें कमेंट में बताएं कि सूट कैसा है और कलर वगैरह उसके साथ साथ ये भी बताएं कि ये हमें कितने का पड़ा होगा तो इस दुकान का नाम आपको मैं बताऊंगा इस दुकान का नाम है अब्दुल रहमान क्लॉथ कॉर्नर रहमान के नाम से ये दुकान क्लॉथ कॉर्नर और हालांकि मुझे ये सूट इतना महंगा नहीं पड़ा है लेकिन आप फिर भी अपने तजुर्बे के हिसाब से बता दें